हेलो दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक इस टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले जरा भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सलेन, आप देख रहे हैं टेक्निकल सलेन यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपको सबसे पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर अप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे, वो वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमारे वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले हमें रिमूव करना है। तो आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद हमने जो नीचे हाथ जो है नीचे की तरफ कर रखा हूँ, तो यहाँ तक हमें रखने देना है। तो मैं आपको वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा मैंने मोबाइल यहाँ पे छोड़ रहे हैं। इसके बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आ जाने हैं। इसके बाद हमने जो ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो को शूट किया था, वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है और इस वीडियो को सबसे पहले हम स्लो मोशन कर देते हैं। आईफोन वाले को हमें सबसे पहले जूम करना है। तो आप देख सकते हैं आईफोन फ़ोन जो है हमारा यहाँ पे आता है। तो इसके बाद इसके लेयर वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, ग्रीन स्क्रीन वाले लेयर पर क्लिक करना और इसे हमें लास्ट तक लेकर आना है, जहाँ से हमारा वीडियो में आईफोन स्टार्ट होता है। और इसे आपको बिल्कुल बिल्कुल रोटेट करके तिरछा करने के बाद इसे थोड़ा सा हल्का बड़ा करना है और इसमें ऐसी इस तरह से आपको लगा देना है। लगना चाहिए कि हमने जो आईफोन फेंके रियल में फेंक रहे हैं। इसके बाद तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो लग रहा है कि इसे हम बिल्कुल रियल में फेंक रहे हैं और लग रहा है हमारा वीडियो लगभग यहाँ पर एडिट हो चुका है सही तरह से। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ से हमारा जो आईफोन हम हाथ से छोड़ रहे हैं, लेयर पे आना है। इसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वीडियो पे हमारा सारा ब्लर दे देना है। ब्लर देने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेंड टू बैक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फेस पे ब्लर आ जाएगा लेकिन यहाँ पर आईफोन जो आप फेंक रहे हैं उस पर आपका ब्लर नहीं आएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद हमने इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी ऑडियो है वो आपको बाहर आ जाएगा। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है और इसे हमें डिलीट कर देना है, क्योंकि वीडियो का हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर हमारा ऑडियो जो है नीचे आ चुका है। इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो प्रॉपर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें करना क्या है, लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद सेकेंड वीडियो जो ग्रीन स्क्रीन वाले हैं, वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग का पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैची के निशान पर क्लिक करना है और ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। लेफ्ट करने के बाद वीडियो पर क्लिक करना है और इसको सबसे पहले हमें क्रोमा की को इनेबल कर देना है। क्रोमा की को इनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर के साइड जो ब्लैक दिख रहा है, तो आपको सिंपल सी क्रोप का ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है और इस ये जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर से थोड़ी सी हल्का सी क्रोप कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर था वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद इसे हमें सबसे पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि हम हाथ से मोबाइल छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद यहाँ तक आपको लेकर आना थोड़ा सा आगे की तरफ और इसके बाद इस पर प्रेस करना है और इसके यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद लास्ट वाले को सबसे पहले हमें रिमूव कर देना है। सबसे पहले जो मोबाइल वाले ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है
और ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से मॉल छोड़ रहे हैं। छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको ये पक्षी बनेगा, तो सिंपल से इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे हमें सबसे पहले जूम कर लेना है। तो यहाँ पे सही तरह से मैं एडजस्ट कर चुका हूँ, तो आपको मैं एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। मोबाइल हाथ से छोड़ रहे हैं, मोबाइल जो हमारा पक्षी बन जा रहा है। तो इस तरह से इस टाइप के वीडियो आप बना सकते हैं। दोनों ग्रीन स्क्रीन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद सिंपल से डन करना है, वीडियो पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को चैनल पे अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।